अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सब भी हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। ये मेरे बेटे मोहम्मद कासिम की बर्थडे है, माशाल्लाह वो 5 साल का हो गया और वक्त गुजरने का पता नहीं चला। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और ये जो है ये लास्ट ईयर की सेलिब्रेशन है। लास्ट ईयर मैंने इसका ब्लैक एंड वाइट थीम रखा था क्योंकि ये मेरा बेटा जो है लास्ट ईयर जो ब्लैक कलर से बहुत ऑब्सेस्ड था। और आज इसका मैंने थीम रखा है मिनियन थीम्स। मेरा मानना है कि बच्चों की बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहिए क्योंकि यही इनकी छोटी छोटी मेमोरीज़ हैं जो इनको बड़े होकर याद रहेंगी। हमें भी अपनी वही मेमोरी याद है जो हमारे पेरेंट्स हमारी बर्थडे जिस तरह सेलिब्रेट करते थे वो हमें अभी तक याद है। क्योंकि बच्चों को अपना सारा बचपन तो कम ही याद होता है लेकिन जो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं ना वो उनको हमेशा याद रहते हैं। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों की जो बर्थडेज़ हैं उनको थोड़ा स्पेशल बनाऊं। तो ये मेरी खुद की एफर्ट होती है, मैं खुद ही सोचती रहती हूँ कि चलो इसी तरह अपने बच्चों की बर्थडे जो है मैं सेलिब्रेट करती हूँ। और ये जो है ये इस टाइम सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं मेरे बच्चे तस्वीर खिंचवाने का, क्योंकि इनको जब कहा जाए ना चलो सीधे हो जाओ तस्वीर खींचनी है तो बहुत मुंह बनाते हैं, नहीं हम लोग आराम से तो बैठ नहीं सकते। तो खैर ये मुश्किल काम भी मैं इनसे करवा ही लेती हूँ। तो ये छोटी सी मैंने अरेंजमेंट की है और मिनियंस थीम बर्थडे पार्टी है। और मेरी जो डेकोरेशन होती है वो ना तो मैं इतनी मतलब टू मच एक्सपेंसिव करती हूँ, बस कुछ लास्ट ईयर्स की जो बर्थडेज की सेलिब्रेशन की जो डेकोरेशन होती है उसको भी मैं रख लेती हूँ। तो फिर अगले थीम में जो चीज़ यूज़ हो सकती है उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ और जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं वो मैं परचेज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह मुझे जो है वो ये डेकोरेशन इतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ती क्योंकि बाकी चीज़ें भी ये मैं कुछ चीज़ें संभाल के रख लेती हूँ और कुछ जो है वो नहीं परचेज़ कर लेती हूँ। बच्चों के लिए थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन करनी चाहिए ताकि उनको थोड़ा स्पेशल फील करवाना चाहिए। और जहाँ तक बच्चों के नसीब की बात है तो मैं जब भी कहती हूँ मैं यही कहती हूँ बेटियों के साथ बेटों के नसीब के लिए भी दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला इनको जो है वो हमेशा सलामत रखे, इनका नसीब अच्छा करे। सबके बच्चों के लिए मैं दुआ करती हूँ। और यहाँ इसके केक पड़ा हुआ था और क्रीम को जितनी इनको देख के क्रीम की क्रेविंग होती है ना तो इनसे थोड़ा सब्र नहीं हो रहा था। मैं कह रही थी थोड़ी देर रुक जाएं और हम लोग जो हैं वो मैं वीडियो बना लूं फिर काटते हैं। और आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बच्चों को देख के माशाल्लाह कहिएगा और इनको दुआएँ दीजिएगा। उठ के बैठो ना, कहाँ से सीधी होके बैठे। मेरे दरअसल तीनों बच्चे जो है वो सर्दियों में ही पैदा हुए हैं, एक अक्टूबर के मिड में, एक नवंबर के लास्ट में और एक जनवरी के मिड में। तो इसीलिए मेरे बच्चों की बर्थडे जो है वो एक दो माह के फ़र्क से आती हैं। और आई होप आपको मेरी ये छोटी सी एफर्ट जो है बर्थडे सेलिब्रेशन की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं फिर हाज़िर होंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।